रजनी फूड कोर्ट एंड वान्या कैफ़े का हुआ भव्य उद्घाटन। आपको बता दें मड़ियाँ स्थित रजिया परिसर में बना रजनी फूड कोर्ट एंड वान्या कैफ़े का उद्घाटन मछली शहर लोकसभा सांसद प्रिया सरोज के हाथों हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में मड़ियाँ नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी रहे उपस्थित। मछली शहर लोकसभा सांसद प्रिया सरोज ने रजनी फूड कोर्ट एंड वान्या कैफ़े की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहली बार मड़ियाँ के अंदर ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर किड जोन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं। सांसद प्रिया सरोज ने रजनी फूड कोर्ट एंड वान्या कैफ़े को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी ने बताया कि मड़ियाओं में इस तरह का रेस्टोरेंट व कैफ़े अभी तक नहीं बना था जिसके अंदर बच्चों के खेलने की सुविधा उपलब्ध हो। अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी ने भी रजनी फूड कोर्ट एंड वान्या कैफ़े को हार्दिक शुभकामनाएँ दी। आपको बता दें मड़ियाओं के तमाम वरिष्ठ लोग इस उद्घाटन में रहे उपस्थित। और जो मैम यहाँ रेस्टोरेंट खोला उस पर आप क्या कहेंगी? जी रजनी जी ने बहुत अच्छा ही रेस्टोरेंट खोला है और ये बल्कि दिल्ली मुंबई में देखा जाए बड़े शहरों के तर्ज पर उन्होंने इस रेस्टोरेंट को बनाया है और मड़ियाओं में ये पहला और अनूठी पहल है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, ये तरक्की करे और अच्छी शुभकामनाएं हैं ताकि ये बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने इतना अच्छा और बेहतरीन रेस्टोरेंट मड़ियाओं में खोला। सर इतने पावन दिन पे आज आप कृष्ण जन्माष्टमी जब इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, जरा मुझे बताएं रेस्टोरेंट का नाम बताएं और उसके बारे में बताएं क्या क्या खूबियां हैं इस रेस्टोरेंट में हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है रजनी फूड कोर्ट एंड वान्या कैफे जी, क्योंकि ये रजनी जो है मेरे माता जी का नाम है और उन्हीं के नाम से हमारे जितने भी प्रतिष्ठान है अब तक मड़ियाओं में मैंने स्थापित किया है जी। और उनके आशीर्वाद से और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से हम धीरे धीरे अपने आप को जनता के लिए इस मड़ियाओं नगर के लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सर ये बड़ा खूबसूरत यहाँ देखा गया, इतना अच्छा अंदर का दृश्य है, क्या क्या खूबियाँ इसके अंदर है आप खुद उसके यूएसपी बताएं। देखिए अपने मड़ियाओं नगर जो है हम जहाँ तक जानते हैं कि हमारे जौनपुर जिला का सबसे बेस्ट टाउन अगर हम लोग देखते हैं तो मड़ियाओं है, जहाँ एक काम का कॉम्पिटिशन और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है अन्य टाउन एरिया से। और बस यहाँ पे एक चीज़ जो भी हम ये देखते हैं कि यहाँ जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि जनता बीच में रखें और उसका लोग लाभ उठाएं। इसी तरह मैंने अपने आईटी का भी काम स्टार्ट किया था यहाँ के जनता के लिए और उनका आशीर्वाद से हमने काफी। सर मैंने देखा है बच्चों के लिए प्लेग्राउंड टाइप का आपने बनाया प्ले जी, ये क्या है सर और क्या खूबियां हैं क्या क्या है? ये है कि होता क्या है कि जब भी रेस्टोरेंट में फैमिली जाते हैं तो पेरेंट्स वगैरह जाते हैं तो थोड़े बच्चे चुलबुल होते हैं, नटखट होते हैं, तो उनकी वजह से वो कम्फर्ट नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं जी। तो इससे क्या होता है बच्चों का सबसे प्रिय चीज़ है भाई उनका प्ले और वो जैसे ही उनके लिए हमने प्ले किड जोन का एक किया कि वो बच्चे उसमें आराम से एंजॉय करें और पेरेंट्स वगैरह अपना एंजॉय करें, प्रॉपर तरीके से खाएं पिए उसके बाद बच्चों को लास्ट में खिलाएं और घर चले जाएं। सर खाने में सर यहाँ क्या 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 सुविधा खाने में आप समझिए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अपने इंडिया के अंदर खाई जाती हो, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, वेस्टर्न हो, साउथ हो, एवरीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी, वो भी बेस्ट कारीगर 3 स्टार लेवल के कारीगर जो हैं उनके द्वारा बनाई गई सारी व्यंजनों का आप लोग आनंद उठा सकते हैं। तो सर यहाँ वेज नॉन वेज दोनों ही क्यों? नहीं, यहाँ पे ओनली प्योर वेज है और 700 आइटम के साथ हमने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है और यहाँ पे मतलब मेन कोर्स से लेके हर वो चीज मिल जाएगी और मैंने यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल का भी बनवाया हुआ है जहाँ पे हम 200 से 250 आदमियों का आराम से एक लग्जरी प्रोग्राम हम यहाँ पे करवा सकते हैं। छोटा बर्थडे पार्टी के लिए किसी कुछ भी करना हो तो यहाँ पे आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।